बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह शुरा से मिर्गी के दौरे हमेशा के लिए खत्म। अब मरीज को जिन्नाती दौरे भी नहीं पड़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे रूहानी सेंटर में ऐसे बहुत से मरीजों के केस आए जिन्हें दर हकीकत मिर्गी के दौरे पड़ते थे, मगर घर वाले समझते थे कि उन पर जिन्नात हैं, जबकि बास मरीजों को वाकई में जिन्नात के दौरे पड़ते थे और उनके अजीज रिश्तेदार ये समझते रहे कि उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इसीलिए उन मरीजों को शिफा नहीं मिल रही थी और इलाज करवाने के बावजूद दौरे पड़ते रहते थे। लिहाजा हमारे रूहानी माहिरीन मरीज का रूहानी इलाज करने से पहले उसके मर्ज की नोयत को बजरिया इस्तखारा और मराकबा मालूम करते हैं। अगर तो मिर्गी के दौरों का प्रॉब्लम हो तो उन्हें रूहानी इलाज के साथ डॉक्टरी इलाज का मशवरा दिया जाता है, और अगर दौरे जिन्नात की हाजिरी की वजह से पड़ते हों, जो कि देखने में ऐसे ही लगते हैं कि जैसे मरीज को मिर्गी का दौरा पड़ा है, इसीलिए तो ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पर। लिहाजा जिन्नाती दौरे तो अल्लाह के करम से फौरी फौरी हमारे रूहानी माहिरीन के बताए गए रूहानी इलाज की बदौलत मुस्तकिल ठीक हो जाते हैं, जिसके लिए मरीज को 3 तावीज़ात उसके नाम से मंसूब अरसाल किए जाते हैं, जिनमें एक तावीज़ जिन्नाती दौरों की मुकम्मल रोकथाम के लिए दिया जाता है, जबकि दूसरा तावीज़ सूरह शुरा का है, जो कि मरीज के दिमाग के उस हिस्से को पुरसकून रखता है जो हिस्सा मरीज के दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के दौरान हलचल मचाता है और उस दौरान मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, जबकि तीसरा तावीज़ मरीज की रूहानी हिफाजत के लिए दिया जाता है। इसके साथ उन्हें ताकीद की जाती है कि डॉक्टर्स की हदायत पर मुकम्मल अमल करते हुए एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन लेते रहें। दूसरी सूरत में डॉक्टर्स दौरों का सबब बनने वाले दिमाग के उस छोटे से हिस्से को ही सर्जरी के जरिए निकाल देते हैं जो कि दौरों का सबब बनता है। तीसरी सूरत में मरीज के जिस्म के अंदर ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस रख दी जाती है जो कि दौरों को कंट्रोल करती है। ये सब इलाज उसी सूरत में होता है कि जब मरीज को मिर्गी के दौरे पड़ते हों, जबकि जिन्नाती दौरों का इलाज सिर्फ इन्हीं कुरानी तावीज़ात के जरिए ही अल्लाह के करम से फौरन हो जाता है, जिससे मरीज को जिंदगी भर ना तो जिन्नात की वजह से दौरे पड़ते हैं और ना ही मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अल्लाह के करम से उसे ऐसी कामिल शिफा अता होती है। अगर आप में से किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम है तो ये तीनों तावीज़ात अपने नाम से मंसूब करवा के अपने पास जरूर रखें। तीनों तावीज़ात का हदिया 1400 रुपए मुकरर किया गया है। अगर आप साहबे इस्तेदात नहीं तो ये तावीज़ात अहद के जरिए फीस बिलिला भी हासिल कर सकते हैं। तावीज़ात मंगवाने के लिए अभी हमसे राब्ता करें खवातीन 0306415111 पर, और मर्द हजरात 0301014789 पर राब्ता करें। शुक्रिया।